हेलो मेरे प्यारे एंड वंडरफुल दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल में। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही देते रहिए। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आज मैंने बनाया है जुगाड़ू वाला फेरेरो रोशर, जो कि घर पे ही बन रहा है और महंगा भी नहीं बनेगा। मैंने ये कप्स मंगवाए थे जो फेरेरो रोशर के आते हैं। चॉकलेट को मेल्ट कर लिया, राइस क्रिप्स रखा एंड मैंने ब्रेड के बॉल्स बनाए जो कि मैं उसके अंदर फिलिंग करूंगी। मैंने हेजलनट यूज़ नहीं करके ब्रेड के बॉल्स बनाए, और आप विश्वास करिएगा, ये भी आप खा के देखिए, बहुत ही यमी और टेस्टी एक अलग ही टाइप की फेरेरो रोशर बनती है। मैंने अंदर भी चॉकलेट की फिलिंग की है ताकि आपको जो टेस्ट है वो फुल चॉकलेट का आए। हमने ऐसे कप को ज्वाइन कर लिया, दोनों कप्स को, तो हमारा बॉल जो है वो रेडी हो गया है। ऐसे करके हम सारे जो बॉल्स हैं वो बना लेंगे। और चॉकलेट मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ की है, आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर और दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे इन कप्स को ज्वाइन किया है। चॉकलेट की कोटिंग से ये ज्वाइंट होंगे, तो आप देख सकते हैं। एक तरह की हमारी बहुत ही सस्ती वाली फेरेरो रोशर है, वरना फेरेरो रोशर हम यही जानते हैं कि बहुत ही महंगी वाली एक चॉकलेट है जिसे सबको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका सस्ता वाला वर्जन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। आप देख सकते हो चॉकलेट मेरी मेल्ट है। मुझे डार्क चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ किया है। आप मिल्क चॉकलेट यूज़ करें। और उसके अंदर हम डाल रहे हैं कैश्यूज़, कैश्यूज़ को मैंने क्रश कर लिया है। मैंने कैश्यूज़ को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम लेंगे हमारे जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं और उसको हम डिप करेंगे चॉकलेट के अंदर। अच्छे से डिप कर लेंगे, और मैंने एक प्लेट भी रेडी करके रखी थी। आप पार्चमेंट पेपर ले सकते हैं, बेकिंग पेपर ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अच्छे से उसे हमने कोटिंग कर ली है चॉकलेट की, और साथ ही में नट्स डाला है। ऊपर आपको वो फीलिंग आएगी उसकी, जो हमें फेरेरो रोशर हम खाते हैं जो ऊपर नट्स आते हैं साथ में, सेम फीलिंग वैसी ही लगेगी आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया कैसा लगा आपको फेरेरो रोशर का, जो हमने एकदम सस्ते सुंदर टिकाऊ वाली बनाई है। मुझे नट्स थोड़े कम लग रहे थे, मैंने थोड़े और डाल लिए उन्हें क्रश करके। आप देख सकते हैं, मैं एक एक करके जो है बॉल्स बना रही हूँ। ये बना के फिर आपको इसे फ्रिज में सेट करना होगा अराउंड 15 मिनट्स के लिए, फिर ये सेट हो जाएंगे। आपको अगर पूरा एक्चुअल लुक देना है फेरेरो रोशर का, तो आप मिल्क चॉकलेट ही यूज करें, उससे एग्जैक्ट लुक आएगा फेरेरो रोशर का। तो मैंने डार्क चॉकलेट यूज की क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट काफी पसंद है। आपको अगर एग्जैक्ट लुक चाहिए उसके लिए मिल्क चॉकलेट का ही यूज कैसा करें। बना है? उसके बाद मैंने हाँ, अपनी बेटी को वाओ बन खिलाया रहे और क्या? उसे भी वाओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, टेस्ट वो करके बहुत खुश बताओ। था। उसने बोला, मम्मा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी चॉकलेट आपने बनाई है।